मेरा सिर्फ इतना कहना है माननीय मंत्री महोदय, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन एक हार्श रियलिटी है सर। हमने रोहित बेमूला को खोया, हजारों रोहित बेमूला इस देश में दुनिया को अलविदा कह रहे हैं सर, हमारी नीतियों, मान्यताओं, प्राथमिकताओं, पूर्वाग्रहों की वजह से। माननीय मंत्री महोदय, कृपया शांति रखें, कृपया अपनी जगह जाएं और बैठें। महोदय, मुझे एक शिक्षक के रूप में जो सबसे ज्यादा चीज परेशान करती है कि और एक सामाजिक न्याय के दल के रूप में सर, जब आप कई साथियों ने कहा सर्टेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस को आप इससे डिबार कर रहे हैं सर, क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है? कई रैशनल चलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि मेरिट को प्रोटेक्ट करना है। सर, मैं इस सदन में कम से कम दसियों बार कह चुका हूं कि मेरिट इज ए ओवर हाइप्ड मिथ, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। संसाधनों से मेरिट बनता है, संसाधनों से मेरिट खत्म होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें माननीय मंत्री महोदय। सर, एडहॉक टीचर्स का एक मसला है, एडहॉक टीचर्स का मसला है, उसको गंभीरता से आप लेंगे। हजारों एडहॉक टीचर्स इस देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में 15-20 वर्षों से काम कर रहे हैं, कैसे समायोजन की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको एक कलम के हस्ताक्षर से निकाल दिया जाएगा? सर, मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आपने सीटें बढ़ाई हैं, मैं आग्रह करूंगा, मैंने विभागाध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है, एक बार आप दिल्ली विश्वविद्यालय जाएं, कहां बिठाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैम्प्ड है सर, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सलाह माननीय मंत्री महोदय, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार बच्चे। मैं माननीय मंत्री महोदय जी का अटेंशन चाहूंगा सर, आपके माध्यम से। मैं माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्यगण, आपके सर, मैं आपकी निगाह अपनी ओर देखना चाहता हूं जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है माननीय मंत्री महोदय, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन एक हार्श रियलिटी है सर। हमने रोहित बेमूला को खोया, हजारों रोहित बेमूला इस देश में दुनिया को अलविदा कह रहे हैं सर, हमारी नीतियों, मान्यताओं, प्राथमिकताओं, पूर्वाग्रहों की वजह से। सर, एक रोहित एक्ट इनैक्ट करिए ताकि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा हो सके। ये मेरा आखिरी आग्रह। एक सर, एक छोटा पॉइंट माननीय मंत्री महोदय, ये आरटीआई के माध्यम से यूजीसी ने दिया है, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर एससी 3.47%, एसटी 0.7%, ओबीसी 0 इन द प्रोफेसर कैटेगरी, जनरल 95.2%, ये हमारी हकीकत है। एसोसिएट प्रोफेसर एससी 4.96%, सर उधर से भी मिला एक दो मिनट, एसटी 1.30%, जनरल 92.90%, असिस्टेंट प्रोफेसर एससी 12.02%, एसटी 5.46%, ओबीसी 14.38%, जनरल 66.27%, नॉन टीचिंग स्टाफ एससी 8.96%, जल्दी कंक्लूड करिए, 4.25%, जल्दी कंक्लूड करिए सर, कंक्लूड सर, जल्द जल्द टाइम, क्योंकि सर ये देश की, प्लीज। ओबीसी 10.17%, जनरल 76.14%। माननीय मंत्री महोदय, अगर इस हालातों में तब्दीली नहीं की तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर हम पूर्वाग्रहों के आधार पर चीजों को खत्म करते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। अतः मैं आपसे आग्रह करूंगा इन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाए। जय हिंद सर, धन्यवाद। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।